नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए 9 नवंबर को होंगे चुनाव, 18 दिसंबर को घोषित होंगे परिणाम। गुजरात की तारीखों का ऐलान बाद में होगा। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में राजेश और नूपुर तलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया। सीबीआई ने कहा पूरा फैसला देखकर अगला कदम उठाएंगे। अब रियल एस्टेट कारोबार भी जीएसटी के दायरे में आएगा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिए संकेत। दक्षिण त्रिपुरा के काकराबोन में भाजपा और माकपा कार्यकर्ताओं में झड़प, 25 लोग घायल। त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा रोहिंग्या मुस्लिमों को बसने की अनुमति दी तो हिंदुओं का हो सकता है पलायन। एनजीटी ने वर्षा जल संग्रहण पर रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। जय शाह के मामले में आरएसएस ने कहा प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता हो तो होनी चाहिए जाँच। कार्ति चिदम्बरम को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, विदेश जाने की अनुमति नहीं। ईरान की डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी, 2015 के ऐतिहासिक परमाणु करार को तोड़ने की धमकी देना जारी रखते हैं तो आएगी कड़ी प्रतिक्रिया। इराक में अनवार प्रांत के हीत शहर में कैफे पर आत्मघाती हमला, 11 लोगों की मौत। वियतनाम में विनाशकारी बाढ़, 37 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।